बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी हमारे साथ हैं। सर, बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से आज एक जमीन कारोबारी सतेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है, आए दिन घटनाएं घट रही है। बैंक लूट की घटना, बलात्कार की घटना, किडनैपिंग की घटना, हत्या, ये रोजमर्रे की चीज है। प्रतिदिन बिहार के अंदर 10 हत्याएं हो रही हैं और एनसीआरबी का जो आंकड़ा आया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, करीब 3000 से ज्यादा हत्या एक साल के अंदर बिहार के अंदर हुई है। और नीतीश जी कहते हैं कि सुशासन है, क्या यही सुशासन है? देखिए, जब जब नीतीश कुमार राजद से उन्होंने हाथ मिलाया है तब तब बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती चली गई है। अब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो बालू माफिया, शराब माफिया, इस प्रकार के अपराधी जो तत्व हैं, उनको संरक्षण मिला हुआ राष्ट्रीय जनता दल का, और नीतीश कुमार उनके नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति दिन पर दिन और बिगड़ेगी, उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय है, जिम्मेदारी उनकी बनती है? सही है, वो गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सर्वे सर्वा है, 18 साल से बिहार में मुख्यमंत्री है। तो बताएं, नीतीश कुमार की जब बीजेपी के साथ वो आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक हो जाता है, और जब वो राजद के साथ जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लग जाता है। क्योंकि जो राष्ट्रीय जनता दल, उसका उसकी जो संस्कृति है, वो बलात्कारियों को संरक्षण देना, माफियाओं को संरक्षण देना, अपराधियों को संरक्षण देने वाली संस्कृति रही है। इसलिए नीतीश कुमार चाह कर भी राजद के नेताओं पर और जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं उन पर कार्रवाई करने में सक्षम। धन्यवाद। हमसे बातचीत में रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24।